मैक्सिमम uh, क्लाइंट्स जो आते हैं मैक्सिमम क्लाइंट्स का मोटो होता है उनके पार्टनर के बारे में जानना करियर के लिए भी आते हैं करियर है, के लिए।, लिए मैंने मेरा खुद पास लाइफ देखा है मैंने मेरी डॉटर का पास लाइफ देखा है उसको हील किया है तब उसका हेल्थ इश्यूज हील हुआ है एंड uh, आपने उन्हें खुद ब्लॉक किया हुआ था बिकॉज ऑफ योर फीयर्स कईयों में देखने की क्षमता होती है जिसको क्लियर पॉइंट हम बोलते हैं

यहाँ पर आ, कुछ चीज़ मैजिकल बोल सकते हुई है आ, जो मैं जानता हूँ मैं चाहता हूँ इनफैक्ट कि मैं बात करूँ उसके बारे में आ, आपने मुझे आज देखा और आपने मुझे मिलते ही बोला कि देर आर एंजल्स सम गाइड्स एंजल, सम डेटीज और मैं सांस भी अभी इसलिए लंबी ले रहा हूँ बिकॉज़ <laughs> uh, थोड़ा सा ओवरवेल्म हूँ मैं ऑनस्टली <laughs> और आज मैं पॉडकास्ट ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ um, जिसमें हमारे कैमरा में एक ब्लर्ड स्पॉट आया और हमारे कैमरा क्रू सारा यहाँ पर है और सब लोगों ने वो देखा है और uh, फिर वो ब्लिंक करने लग गया और आपने मुझे स्ट्रेट अवे एक चीज बोली थी कि मेरे कोई गाइड्स hmm. हैं यहाँ पर एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि आपने आप बॉडी में चिल फील हो रहा है हाँ हो रहा है मुझे और मेरे को ठंड नहीं लगती है ठंड नहीं लगेगी बॉडी में चिल फील होगा बिकॉज आपके गाइड्स हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंट्रैक्शन जब हमारा हुआ था तब देखते मैंने बोला था कि यू डू हैव सम पास लाइफ पावर्स एंड आपने उन्हें खुद ब्लॉक किया हुआ था बिकॉज ऑफ योर फीय सो योर गाइड्स आर हेयर टू टेल यू कि आप जो आज कर रहे हो बात इसमें somehow हम बात ही इनके बारे में करने वाले थे इसमें से कुछ भी प्लान में नहीं था ना कि हमें इस पर बात करनी है वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल बॉल वॉट इज क्रिस्टल बॉल वॉट इज सोल रीडिंग हमारा वो डिसाइड हमने किया था बट आपकी गाइड्स आपको ये बताना चाहते कि देर इज नियर मैक्सिमम लोग आज के टाइम में बस फियर में ही जी रहे हैं कईयों में देखने की क्षमता होती है जिसको क्लियर पॉइंट हम बोलते हैं कईयों में सुनने की क्षमता होती है जिसको क्लियर ऑडियंट हम बोलते हैं कि किसी hmm. को चीज़ें सुनाई देती हैं hmm. कई लोग फील कर सकते हैं प्रेजेंस hmm. hmm. अपने आसपास किसी के दर्द को फील करते हैं वो एम्पैथिक कहा जाता है जो किसी स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं इज़ मीडियमशिप टेक्स से और जो आई डू सोल रीडिंग दैट इज कम्युनिकेटिंग विद लिविंग सोल्स आल्सो डेड एंड लिविंग बोथ यस आई डू सो आप रिलेट uh, कर सकती हैं सोल्स के साथ बिल्कुल मतलब एक्चुअली जेन्युइनली स... बात करती हैं बात कर सकते हैं मुझे विजन के फॉर्म में दिखता है बिकॉज मैं क्लियर वॉइंट हूँ क्लियर वॉइंट एग्जैक्टली कौन होते हैं बिकॉज सॉरी मैं अभी भी ऐसे ब्रीथ <laughs> कर रहा हूँ बिकॉज जब पर्सनली आपके साथ कुछ होता है और मैं uh, अपने आप को एक फ्री सोल समझता हूँ बट मेरे को उसका आइडिया भी नहीं वो वट वट इज दैट इवन मीन आई बी ऑनेस्ट बट मेरे पे मुझे अभी लग रहा है जैसे कोई प्रेशर्स हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम बट आई वुड लाइक टू नो कि कौन होता है as a start point. Clear point basically एक क्लियर पॉइंट एज ए स्टार्ट पॉइंट क्लियर पॉइंट बेसिकली एक टर्म रखा गया है स्पिरिचुअल टर्म है आपकी उस क्षमता के लिए उस एबिलिटी के लिए जिसमें आप द विल देख सकते हैं हमारी दो आंखें नॉर्मल थ्री वर्ल्ड की चीजें देखती हैं जैसे कि सब जानते हैं थर्ड आई अंजना चक्रा जो हमारा फोर हेड के बीच में है ये आपके सुपर नेचुरल चीजें देख सकती हैं जो बियॉन्ड विल होता है जो हमारी थ्री डी दो आंखें नहीं देख पाती हैं इट कुड बी एनी डी टी इट प्रेजेंट फ्यूचर डी टी डी टी बेसिकली अगर मैं बोलूँ गॉड्स एंड गोडेस को डी टी कहा जाता है हमारे वेस्टर्न कल्चर्स में जैसे कैल्टिक कल्चर हो गया ड्रूट्स हो गया उन लोग डीटी बोलते हैं बट इट इज सिंपली गॉड एंड गोडेस जो देवी देवता हैं उनको हम डी टी बोलते हैं जस्ट लाइक आई हैव टेबल We have crystal ball जैसे कि मैं बताना चाहती थी about crystal ball reading क्या होता है तो मैंने यहाँ पर crystal ball रखा है जो clear quartz से मैं reading करती हूँ मैंने साथ में साथ black crystal, जो है black ट्रम line इसका भी ball रखा है to tell people कि आप किस तरीके से इससे reading करते हैं दोनों में difference है यहाँ transparent है यहाँ पर solid है यहाँ पर right. surface से हो रही है reading okay. तो यहाँ surface पे reflections आता है okay. दिस इज़ ओबसीडिन मिरर जो पास में आ, जो लोग हैं कैल्टिक कल्चर के वो यूज़ करते थे फ्रेंच में भी इसका होता था

वो बुक भी है और हमने काफ़ी चीज़ें देखी भी हैं बट कभी कभी लगता है कि वो इंटरप्रिटेशन हैं ऐसा नहीं हो सकता सर uh, क्योंकि क्योंकि हमें एज ए लेमैन मैन ये uh, जो मैं आज पावर फील कर रहा हूँ मैंने जब वो बुक पढ़ी थी मैं वो पावर फील नहीं कर रहा था मे बी वो आप मेरे साथ बैठी हुई हैं इस समय और आपने मेरे से जो वो दो मिनट पहले बात करी है और वो जो एक मिनट की बात पहले हुई है ये शो शुरू होने से हुआ है। It's your you told me कि आपको आपने वो भी बिल्कुल हुआ था मुझे hmm. मुझे दिखता है क्लियर पॉइंट का होता ही है की आपको सब कुछ दिखता है जो नई भी देखना होता है वो भी पास प्रेजेंट फ्यूचर डेथ न प्रडिक्ट एनी थिंग और अगर आप नाइन इलेवन की बात कर रहे हैं तो उनकी अभी एक रिसेंट और आने वाली प्रडिक्शन है जो कल की अवतार के ऊपर है हम सब जानते हैं हिंदुज्म में कि विष्णु भगवान जब बहुत ज्यादा कहते हैं ना कलयुग का चरम सीमा आने वाली है तब वो अवतार लेने वाले उनको कैसे पता है उन्होंने देखा था फ्यूचर देखा था बट उन्होंने उसको किंग फॉर्म में प्रडिक्ट किया था कि कोई कल की नाम का इंसान आएगा किंग आएगा जो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा कब की बात हो रही है ये कोई डेट लाइन दी है ने ऐसी चीज़ के लिए एक्चुअली क्या होता है सर कि क्रिस्टल बॉल में आपको सिंबल और साइंस दिखते हैं हाँ जी तो उनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जो पहले का जो बताया गया था पाँच समथिंग अभी तो बहुत शॉर्ट टाइम हो गया पाँच हजार कुछ साल के बाद ही होने वाला है कल की अवतार क्योंकि बहुत क्राइम बढ़ चुका है Hmm. चाहे वो सीवा पे आ रहा है hmm. क्राइम तो जैसे जैसे क्राइम बढ़ जाएगा कि एक्सट्रीम हो जाएगा क्राइम लेवल तब वो अवतार होते हैं हमेशा द्वापर रूप में भी ये हुआ था राम जी के साथ भी हुआ था जब क्राइम को खत्म करना है तब भगवान अवतार लेते हैं उनको hmm. कैसे पता था hmm. नहीं ना बट hmm. कैसा होता है उनकी जितनी भी प्रडिक्शंस थी वो सिंबल hmm. फॉर्म में अगर मैं प्रडिक्शन करती हूँ मुझे चीज़ें सिंबल फॉर्म में दिखती हैं यहाँ hmm. पर विजन फॉर्म में hmm. दिखती हैं उसको हमको एनालाइज करना पड़ता है hmm. आप उनकी नाइन इलेवन की भी प्रिडिक्शन बोलोगे hmm. तो उन्होंने न्यू सिटी लिखा है दैट इज न्यू यॉर्क न्यू सिटी और उनको कब पता था की भी बात उन्होंने बर्ड्स करी थी दैट इज फायर होगी बीच में दो तो yes. आग ही आग होगी पूरा hmm. वो उन्होंने और हिटलर hmm. तो वो, वो भी, भी, तो, भी प्रेडिक्ट किया जो हेनरी न्यू उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया उन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत भी हुई है क्यों ऐसा होता है मैं एक रफली चीज बताऊंगी अगर आप क्रिस्टल बॉल रीडिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको डीप ट्रांसलेट में जाना पड़ता है Hmm. तब आपको आप किसी गाइड या किसी को बुला सकते हैं और उसके हिसाब से वो आपको मैसेजेस देते हैं। ट्रांस में कैसे जाती है? ये तो बेसिकली फॉर मी आई एम गिफ्टेड विद क्लियर एबिलिटी और इसमें आपका क्लियर पॉइंट होना जरूरी है, हो, का मतलब, क्या होता है? का मतलब होता है जो आपने कमाया नहीं है किसी चीज में मेहनत करके इन द इन द सेंस आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है अच्छा जस्ट लाइक माय जो अगर मैं बोलू ग्रैंडफादर फादर मेरे नाना जी वो तांत्रिक थे बहुत अच्छे माने हुए तांत्रिक थे और मेरी नानी जी नानी पे जो था वो काली माँ काली का ड्रेसिंग्स था वो पे काली जी की सवारी आती थी सो so, मैं उसी लिनेज को फॉलो कर रही हूँ Hmm. तो मैंने कहीं से सोल रीडिंग यही सब चीज़ें किसी डेट uh, से कनेक्ट करना ही सीखा नहीं है इट इज़ इन माई लाइक चाइल्डहुड ही मुझे है ये ब्लेसिंग्स आई कैन सी चार पाँच साल की मैं मुझे जैसे ऑब आपको दिखा दैट इज़ ए इनिशियल स्टेज ऑब्स दिखते हैं आपको स्पिरिट अगर आपके आसपास है वो लाइट फ्लैशेस दिखती हैं आप क्या विजन करती हैं विजन में क्या आता है लेट्स

आपको पिक्चर्स दिखती हैं आपको शेडोज दिखती हैं आपको कलर्स दिखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंग्स दिखती हैं जैसे उन्हें रिवर दिखी थी लाल एक लेमन क्वेश्चन पूछूं मैं ट्रांसपेरेंट है <laughs> एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये आपको इसमें से ये सब कैसे दिख रहा है हाँ, आप ए, एक बार आप एक्शन करके दिखा सकती हैं कि आप एक्चुअली जब देख रही हैं इस पर Uh, आप क्या देख रही हैं क्या आप चांटिंग कर रही हैं साथ में आप ट्रांस में कैसे जाती हैं बिकॉज uh, मेरी भी बचपन से ख्वाहिश रही है हमने नोस्ट्राडामस का इतना सुना है पर मैं आज तक किसी क्रिस्टल बॉल गेजर से पहले नहीं मिला था एंड दैट्स आई वॉज सो कीन टू मीट विद यू टू लर्न कि आप ये कैसे करेंगी अब बात वही आई ना लॉजिकल माइंड की यहाँ लॉजिकल माइंड नहीं चलता है ओके okay. यहाँ स्पिरिचुअल माइंड चलता है यहाँ पर आपका बिलीव सिस्टम चलता है पहली चीज़ दूसरी चीज ये ट्रांसपेरेंट है डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट है बट यहाँ पर आपको आपके थर्ड आई से फोकस करते हैं आप क्रिस्टल बॉल में आप इसको रोटेट करेंगे अभी तो हमने कैंडल यहाँ नहीं लगाया है hmm. इसके नीचे पूरा डार्क रूम हमें चाहिए होता है, है, लाइट नहीं होती है क्योंकि अंधेरे में आप उस फ्लेम पे फोकस करते हो is, त्राटक टू एक्टिवेट योर थर्ड आय फोकस करा फ्लेम पे आपने अपने गाइड्स कॉल किएके आपने गाइड्स कॉल किए देन यू स्टार्ट रोटेटिंग टू सी द एनर्जीज कहा से पास्ट से मिल रहा है मैसेज फ्यूचर का मैसेज मिल रहा है दिस इज फिजिकल साइड स्परिचुअल इंसान की लाइफ का कहाँ से हमें गाइडेंस मिल रही है वहां पर एक स्मोक एक स्मोक बन जाता है okay. वो स्मोक फर्स्ट चीज होती है पहले स्मोक क्रिएट होता है फिर उसके बाद फिजिकल स्मोक होता है कि आप vision अंदर नहीं, नहीं नहीं स्मोक क्रिएट होता है मेरे पास आप की... देख पाएंगी बस मैं नहीं देख नो no, मेरी वीडियोस जो डली है हाँ आ, अगर इंस्टा पे भी बोलूं मैं क्रिस्टल हाँ बॉल की पीपल कैन सी इनसाइड इनसाइड स्मोक्स जैसे अभी आपने आप देखे हैं। oh. वो दिखता है आपको समझ आ जाता है नॉर्मल अगर आप उसको उस तरीके से देख रहे हो तो आपको इसका कलर चेंज हो जाएगा इसमें वो एक foggy foggy चीजें देखेंगे अभी जितना क्लियर आपको दिख रहा है okay. उतना क्लियर नहीं दिखता है उस समय ठीक है जी फिर उसमें आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हो आप पर्टिकुलरली आपका तो फिर आपके गाइड्स इसमें दिखाना शुरू कर देंगे जैसे कि उनको दिखाया था कि बर्ड्स आएंगी टावर गिरेगा लड़ाइयां होंगी इस तरीके से सिंबल्स दिखेंगे उनको किंग दिखा है दैट इज कलियुग का हम hmm. कल की तो सिंबल्स दिखते हैं यहां पर यहाँ पर आपको सिंबल फॉर्म में ही चीज़ें बताई जाती हैं तो हमारे पास सबके पास एक गाइड है सबके पास गाइडीपल होती है मल्टीपल होती है देखिए स्पिरिट गाइड्स होते हैं गार्डियन एंजल्स होते हैं जो आपके साथ असाइन किए जाते हैं आर्ट्स एंजल्स अलग होते हैं एंजल्स अलग होते हैं ये वर्क करते हैं आपकी विल पे अगर आप अगर आप किसी भी भगवान को के पास जाओगे जब आप उनसे कुछ बोलोगे कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करो देन ओनली दे आर गोइंग टू हेल्प यू होते सब हैं आपके साथ oh. बट आपकी फ्री विल जो यूनिवर्स ने दी है आपको उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता ओके okay, तो आप यू? अगर किसी के लिए ये कर रही हैं परफॉर्म मैं आपको परमिशन दूंगा पहले विदाउट परमिशन नहीं हो सकता तो सपोज uh, मैं आपके पास आया और आई एम श्योर आपके पास ऐसे काफ़ी लोग आते होंगे जो uh, आपको चेक कर रहे हैं <laughs> ट्रायल ले रहे हैं, हैं। क्योंकि आई uh, बी अगर मैं भी गया होता पहले मैं आपको बताता नहीं मेरा पास्ट क्या क्या है मेरा प्रेजेंट है फ्यूचर का तो वैसे ही हमें पता नहीं है तो मैं पास से चेक करता uh, ऐसे काफी लोग आते हैं आपके पास हाँ जी काफी आते हैं और काफी कई बार तो खुद ही जो रीडर्स होते हैं वो भी आते हैं बट क्या होता है समझ आ जाता है कि कौन सा इंसान वाकई में आपके पास आंसर के लिए आ रहा है या कौन सा इंसान आपके पास सिर्फ जस्ट आपको चेक करने आ रहा है mm. जैसे ही ऐसा पर्सन आया वो एक ही सवाल बोलेगा मैम मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या पूछना है mm. और मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ तो सिचुएशन या वाकई में वो बहुत कन्फ्यूज है अगर कन्फ्यूज mm. भी है तो उसके पास सवाल तो बहुत होंगे mm. और अगर वो बोल रहा है मेरे पास सवाल नहीं आप बताओ पताओ होता है ऐसा बहुत बार वो सिचुएशन में आई कॉल देयर गाइड्स ओके उनकी गाइड्स कॉल करते हैं जैसे मैंने आपको बोला है सोल रीडिंग करती हूँ मैं उनकी डायरेक्ट सोल कॉल करती हूँ क्योंकि उनकी सोल झूठ नहीं बताएगी ना मुझे और फिर वहाँ से हम उन्हें पकड़ लेते कि ये ये चीज़ें हैं आपके साथ तो वो बोलता जाता है, हाँ है ये भी है ये भी है ये भी है सो so, आप सोल uh, रीडिंग पे जाते हैं uh, कुछ मिनटों में स्टेइंग विद द क्रिस्टल बॉल आपने हमें ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल का अभी बताया कि uh, आप पास प्रेजेंट फ्यूचर और दैट इज बाय रोटेशन शेयर रोटेशन आपको यहाँ पर से विजन्स दिखती हैं कुछ स्मोक निकलती है इट्स इट्स क्लाउड्स क्लाउडी काइंड ऑफ़ फील सिंबल्स आप बोल रहे हैं वो अल्फा बीटा गामा टाइप नो दिस इज नो नो दिस इज नॉट लाइक दैट समटाइम्स अगर आपको क्लोव्स दिख रहा है क्लोवर होता है पौधा होता है वो दिख गया इसमें सो okay. so, बंदे का सवाल है कि मेरा करियर कैसा होगा या मेरा बिजनेस कैसा होगा जो आपका क्लोवर आया दैट इज़ आंसर ही मिल गया कि आपको अबंडेंस आने वाली है oh. इस तरीके के सिंबल्स होते हैं कभी फर्टिलिटी okay. है तो बच्चा दिख जाएगा जिसमें एक फीमेल अच्छा जिस आई थी आ अपने पार्टनर के लिए बात करने के लिए डाउट बॉयफ्रेंड जो है किसी और है कि नहीं <laughs> बड़े केस होते बहुत केसेस आते हैं ऐसे, ऐसे आते क्योंकि हैं। कोई तो टिकी नहीं रही है नहीं आजकल। टिक रही है आजकल फिर फिर आपने क्या करा हमने क्रिस्टल बॉल ही उन्होंने बुक करवाया था हमने क्रिस्टल बॉल और सोल रीडिंग दोनों के थ्रू ही क्योंकि यहाँ झूठ नहीं आ सकता किसी इंसान की सोल झूठ नहीं बोल सकती है वो झूठ बोलेगा बट आपकी जो आत्मन चिंतन है सोल इज योर आत्मन योर चिंतन दैट इज योर कहते हैं ना इनर कोर सेल्फ वो झूठ नहीं बोलेगा पता चल गया यहाँ पर थर्ड फीमेल दिखी गई थर्ड फीमेल दिखी दिखी तो क्लियर पॉइंट तो हुई तो वो किसके साथ डेट कर रहा है कौन से होटल में वो उस समय थे क्या हो रहा था आई सॉ एवरी वो लड़की कैसी है उस लड़की के बाल कैसे थे उस लड़की की बॉडी कैसी है मैंने उससे पूछा ऐसी ऐसी लड़की है शी सेड यस ऐसी लड़की है जिस पर मुझे डाउट है उसने मुझे फ़ोटो भेजी hmm. मैंने कहा यही है मैंने कहा अभी अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाओ ये किसी होटल में है तो उसने बोला मैं ऐसी जगह पर हूँ क्लाइंट के साथ हूँ hmm. तो वो भी क्लेरिफाई हो गया कि हाँ ये चीज़ है तो वो चीज़ें भी दिखती हैं जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और वो सोच रहे होंगे कि आपने जो ये बोला क्या ये रियल यूज केस है feedbacks. मगर आपका सबसे बड़ा फीडबैक आई थिंक मैं हूँ फॉर नाउ नॉट ओनली जो शो के पहले हुआ बट एक और इंस्टेंस जैसी मैं आपको मिला हूँ पंद्रह मिनट पहले जब आपने मेरे सोल के बारे में या कोई मेंबर्स मेरी फैमिली के सोल के हुँ. बारे में विद इन वन मिनट बताया दैट इज़ अमेजिंग आई मीन इट्स समथिंग पर्सनल टू मी तो मैं पॉडकास्ट में मेंशन नहीं, नहीं करना, करना चाहूँगा ये पर uh, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि आपने रिलेशनशिप या तो सेव करवाई या तोड़वाई जो भी बेटरमेंट के लिए हुँ. है थ्रू योर गाइडेंस सो you play the role of a guide yes basically um मैं गाइडेंस ही और सच बोलती हूँ आगे उन लोगों का फैसला उन्हें क्या करना है क्योंकि अगर कोई मुझे हायर कर रहा है तो वो मुझे सच जानने के लिए हायर कर रहा है hmm. और मैं बोलती भी यही हूँ कि अगर आपको सच सुनने का हो कि hmm. आप सुन पाओ सच तभी आइएगा hmm. तो रियलिटी बता दी जाती है अगर आपको बता दिया गया कि वो आपको चीट कर रहा है इट्स योर डिसीजन नाउ वेट यू वॉन्ट टू स्टे विद सच पर्सन और यू वॉन्ट टू मूव ऑन लाइफ में बहुत सारी करियर गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप्स की है बहुत सारी आ, वो भी चले छोड़े आपके कर्मा hmm. आपका पास लाइफ सब चीज़ें पता चलती हैं क्या आप अगर मान लीजिए एक पैटर्न किसी इंसान के जीवन में है जहाँ hmm. बहुत ज़्यादा कोई भी एक रिलेशनशिप उसका नहीं चल रहा है एक रिलेशनशिप में चीटिंग हो रही है दूसरे में हो रही है आजकल ये बहुत देखा जा रहा है फाइनेंसेस hmm. और यहाँ और एक हेल्थ पैटर्न यस तो ये आपके कहीं ना कहीं पास लाइफ के कहीं ना कहीं कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं आप बिलीव करती हैं इसमें डेफिनेटली आई डू पास लाइफ रीडिंग रिग्रेशन करवाती हूँ सोल रिट्रीवल कराती हूँ मैंने मेरा खुद पास लाइफ देखा है मैंने मेरी डॉटर का पास लाइफ देखा है उसको हील किया है तब उसका हेल्थ इश्यूज हील हुआ है आप पास लाइफ देख के करंट लाइफ में हीलिंग करती हैं उसके yes. मुताबिक एंड उसकी आप बिलीव करती हैं कि दैट हैज रेलेवेंस टू टूडेज लाइफ ये आपकी अपनी थिंकिंग है कि ये साइंस की थिंकिंग है देखिए साइंस में साइंटिफिकली अगर हम बात करें जो थेरेपी कराई जाती है रिग्रेशन वो भी तो वही है कि पास पे ले जाके आपको सम थेरेपिस्ट हील कर रहा है एज द हीलर बेसिकली हीलर मुझे ऐसा लगता है जो कोर में जाते हैं अब मैंने मेरे खुद पे चीज़ें की हैं hmm. मैंने खुद की लाइफ को चेंज किया है इन सब चीज़ों से और hmm. इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ ना तो पास्ट लाइफ में जाकर आप अपने बहुत सारे कहते हैं ना जो अनरिजोल्व क्वेश्चंस हैं अननोन फियर किसी को रहता है एक मेरा क्लाइंट है उसको अननोन फियर हमेशा अपने रिलेशनशिप के लिए रहता था हमेशा hmm. डर के मेरा हसबेंड पार्टनर मुझे चीट कर रहा है वैसा होता था hmm. तो वो क्या कर रही थी पास में जो उसके पास लाइफ का जो फोबिया था वो सम कहीं ना कहीं उसकी सोल को था अब वो वही चीजें सोच रही है तो सबकॉन्शियस माइंड इस लाइफ में भी चीटिंग मैनिफेस्ट कर रहा है इज इज नथिंग इट ओनली अ अ थॉट फॉर्म दैट क्रिएट ब्लॉकेजेस वॉट यू थिंक यू विल बिकम दैट यू विल मैनिफेस्ट दैट मैनिफेस्टेशन में बिलीव हर किसी इंसान में सबकॉन्शियस माइंड है कॉन्शियस माइंड है एवरीबॉडी नो एवरीबॉडी इज डूइंग मैनिफेस्टेशन समहाउ हमने सीक्रेट पढ़ी सीक्रेट इज ऑल अबाउट मतलब कायनात में कुछ मांगोगे तो ही तो मिलेगा तो ही of. मिलेगा पर मैनिफेस्टेशन का पावर कितना है किस एक्सटेंट तक मतलब आ, आ, मैं वो बुक को असाइड करता हूँ ये बात आपने मेरे से ऑफेयर भी करी थी मैनिफेस्टेशन के ऊपर और फिर मैंने बोला था पॉडकास्ट में बाकी बात करेंगे इस पर हम द वे मेरी ब्रीदिंग अभी भी हैवी है <laughs> क्योंकि मैं अभी भी उसमें उस जोन से नहीं निकला हूँ पॉडकास्ट को शुरू करे हुए टाइम हो गया है बट मैं अभी भी हैवी फील कर रहा हूँ विद वॉट हैज हैपन्ड थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट बट मैनिफेस्टेशन समटाइम्स आई ब्लेम माई सेल्फ कि आइदर आई डोंट मैनिफेस्ट पॉजिटिव या तो मैं जब मैनिफेस्ट करता हूँ तो नेगेटिव कर देता हूँ कि वाइल जब मैं ये बोल रहा हूँ मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ मैं गिरता हूँ और बहुत जल्दी उठता हूँ और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो बोलेंगे यार अगला दिन नया है सुबह होगी और हम रेडी हैं एक और लड़ाई के लिए लड़ाई के लिए, I'm sorry to cut you लड़ाई के लिए। हम रेडी नहीं है टू मेक आर लाइफ बेटर टू रिसीव द ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स मैट्स तो ब्लेसिंग्स कैसे लू स कर सकते हैं आप आपका माइंड सेट चेंज कर सकते हैं सबसे पहले हमें अपना बिलीव सिस्टम चेंज करना है मैं एक चीज़ जो प्रैक्टिकली मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ या फिर मैं खुद भी अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ में भी बहुत सारी चीजें मैंने पास में देखी हैं तब मैं यहाँ पहुंची हूँ बाय हीलिंग माई सेल्फ हर इंसान को जो थ्री डी प्लेन में जन्म ले रहा है जो यहाँ अर्थली प्लेन में जन्म ले रहा है इसका क्या मतलब थ्री डी प्लेन इज ऑल अबाउट योर काम वासना क्रोध मोलोब

आपने अपनी लाइफ बदली तो मैं आपसे एक बड़ा लीमन क्वेश्चन बिकॉज हमारी सारी ऑडियंस या तो जेंजीज हैं या मिलेनियल्स हैं उनके दिमाग में और और मेरे भी दिमाग में वैसे बॉटम लाइन लॉजिक ही चलता है कि आपने अपने साथ लॉजिक अपने, <laughs> अपने साथ कुछ ट्राई कराइए से बट ओके यू कैन शेयर या फ्रॉम चाइल्डहुड मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं रहा है बींगर डॉटर और हम राजपूत फैमिली को बिलोंग करते तो यू नो डिफ्रेंस होता है लड़के लड़की hmm. में ah, बिल्कुल सो so, मेरे ड्रीम्स हमेशा बढ़े रहे हैं क्योंकि मेरा सोल पर्पजस हमेशा बढ़ा रहा है तो so, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी वहाँ नहीं हुआ आफ्टर आई गॉट मैरिड अगेन आई वॉज इन टू अर राजपूत फैमिली आई मे नॉट से चीज़ें मेरी उनके साथ खराब थी इट इज़ माई कार्मिक रिलेशनशिप्स विद दैम जिसकी वजह से काफ़ी हर्डल रहे स्टेबल नहीं रही चीजें mm. और बहुत बार मैं बहुत बीमार भी पड़ती थी वहाँ उस रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस की वजह से mm. से देन आई डूइंग हीलिंग फॉर सेल्फ मैं इस फील्ड में आई और अपने काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी मैंने सुधारे लाइफ भी चेंज करी जो मेरे ड्रीम थे लोगों की हेल्प करना तो अब तक मैं बहुत लोगों की हेल्प कर चुकी हूँ mm. बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी हूँ और उसके बाद मेरी भी लाइफ चेंज हुई है बिकॉज आई मैनिफेस्ट वॉट आई वॉन्ट

मॉर्निंग रिचुअल्स सुब सुबह उठ के वी शुड डू समथिंग टू मैनिफेस्ट मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं जल्दी से समझा सकती है कि फटाफट से हाँ मॉर्निंग रिचुअल जैसे हम अफर्मेशंस के बारे में बात करते हैं हम स्विच वर्ड फेस के बारे में बात करते हैं स्विच वर्ड्स वर्ड्स को कंबाइन करके फेस बनाया जाता है हर एक वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी होती है यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है आप अफर्मेशन जो कर रहे हो आप चैंटिंग जो मंत्र भी करते हो वो एक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है जो आपके और को उस तरह का बनाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस तरीके से वर्क करने पे मजबूर करता है कि जहाँ आप मैनिफेस्टेशन कर पाओ उस फ्रीक्वेंसी तक कैसे पहुँचते हैं बाय चैंटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स जैसे सपोज एनी वड यू वॉन्ट मनी सो मंत्रा फॉर मनी साधारण मंत्रा फॉर मनी श्रेम ओह सो इफ़ यू चैन श्रेम उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जो आपके माइंड के और आपके और के क्योंकि और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट थिंग्स अगर आपके और जो हमारे साथ इनविजिबल बॉडीज है वी हैव सेवन चक्राज ऑल्सो

एक आम आदमी अपने और को पॉजिटिव बना सकता है बाय वर्किंग ऑन इट कुछ भी ज़्यादा नहीं चांटिंग करके आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं देखिए सबसे पहले आपके इमोशंस मैंने पहले भी बोला है मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं मेरी प्रैक्टिकली क्लासेस लेती हूँ सबसे पहले आपको आपके इमोशंस रेक्टिफाई करने हैं अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे नेगेटिव बोलते रहोगे अगेन इट हैज़ अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अ लो फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिकली पुलिंग पुलिंगली हमारे बॉडी में लोग भी वही मिलेंगे स्पिरिचुअल yes, मैग्नेट्स होते हैं हर इंसान की बॉडी में हमारे पास स्पिरिचुअल मैग्नेट मैग्नेट्स होते हैं हमारी बॉडी में व्हेन आई डू द हीलिंग टू अट्रैक्ट सपोज आई डू एनी मनी मैग्नेट हीलिंग फॉर क्लाइंट मनी मैग्नेट हीलिंग यस ये भी होती है यस yes. बताइए बत, बताइए के बहुत बहुत लोग हैं 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 जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, so, इसमें वो आप आप क्या किए जाते हैं। magnets होते हैं। उनको हम रेस करते हैं hmm. उनको अट्रैक्ट करते हैं मनी के साथ कंबाइन करके hmm. फिर आपके और उस तरीके से रेडिएट किया जाता है सो देट देखिए किसी से भी आप सपोज यू इंटरेक्ट विद मी अगर hmm. मेरा और आपको अच्छा नहीं लगता आपका हेड एक होना शुरू हो जाता hmm. yes. like, yes. है रिपल्शन yes. आप मुझसे इतनी देर बैठ के बात नहीं कर सकते ऐसा बहुत बार होता है कि किसी ah. हम ऑफिस में भी किसी से या फिर कोई फैमिली मेंबर है हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत दिन भर रोता रहता है बहुत हमेशा कर्ज करता रहता है अपने आप को yeah. यार मेरी लाइफ में यह बुरा है वो देवर फाइंड सोल्यूशन दे आर एनर्जी वेम्पायर

एंटी क्लॉक वाइज सो यू वॉन्ट टू रिलीज नगेटिविटी आपके बॉडी से आपने सोल्ट वाटर डाला बकेट में रैंडम सॉल्ट सी सॉल्ट आपने एंटी क्लॉक वाइज रोटेट किया इंटेंशन डाल के, के मेरी बॉडी में जिस किसी इंसान की भी नेगेटिविविटी आई है याश्यूज मैक्सिमम हेल्थ इशूज फाइनेंशियल इशूज और रिलेशन इशूज होना शुरू हो जाते हैं hmm. आपके hmm. मनी ब्लॉक हो जाएगा ठीक hmm. है क्योंकि अब आ ही नहीं, नहीं सकती अब बंडन सा ही नहीं पाएगी आपके पास बाकी के सारे और क्लियर करके फिर वो आप तक आती ना कोई भी चीज़ अगर कोई पोजेशन भी होता oh. है तो भी आपके और को अगर आपका और कमज़ोर है तभी वो आप तक पहुंच सकता है okay. अदरवाइज कोई चीज़ ऐसे नहीं आ सकती है आपने इंटेंशन डाल के उस पर प्रोटेक्शन डाल दिया देन यू टेक अ बैट स्टोन वॉल क्रिएट कर दी हमने अदरवाइज हाँ आपने रॉक सॉल्ट से नहाया इंटेंशन डाला आपने तो वो सब क्लियर हो जाता है

लेवल पे आप बातें कर रही हैं अभी हम इस पे बात करेंगे हाँ तो I मतलब बिल्कुल नो नो यू गो बैक अगर मैंने यहाँ पर देखा कुछ हाँ जी किसी इंसान का मैंने थर्ड पार्टी देख लिया किसी का मान लीजिए मैंने देख लिया है कि इसके हेल्थ इशू होने वाला है आगे टाइम में और ऐसा होने वाला है कि वो क्या दिखेगा आपको वहाँ पर बेड दिखेगा या फिर साइक करके आते अगर कोई है, कोई एनिमी है है अटैक होने वाला है, वो भी दिखेगा वो वो मुझे मुझे तो पूरी दिखती oh. तो पूरी पिक्चर है अगर मुझे वो दिखा, मैं उसे इज़ अ वार्निंग रीडिंग हम बोलते हैं हाँ। मुझे अभी भी अगर मैं बात करूंगी मुझे दिखेंगे मुझे वैसे भी, ये भी छोड़िए मैंने मेरा खुद का देखा था कि मैं मुंबई जब शिफ्ट होंगी मेरी कार का एक्सीडेंट होने वाला है ठीक है वो मुझे देख गया था एंड एट आपने रेमेडी क्यों नहीं दी

सो बेसिकली रेमेडीज़ जो होती हैं वो इम्पैक्ट कम कर देती हैं आपको प्रोटेक्ट कर देती हैं अगर कोई हार्म होने वाला है तो उस चीज़ से आप अवेयर हो जाते हो और फिर आप अवेयरनेस के साथ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं सो दिस इज़ हाउ द रेमेडीज वर्क हर चीज़ की रेमेडी है चाहे आपका रिलेशन हो चाहे करियर हो चाहे बिजनेस हो हर चीज़ की रेमेडीज़ होती हैं बट वो एक रेमेडी हर किसी पर रैंडमली वर्क नहीं करती है वर्कस डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट एनर्जीज है

ओके okay. कई बार माइंड ही गेम गेम मैक्सिमम माइंड गेम प्ले करता है कि अभी कर लिया यार थोड़ी देर में कर लेंगे hmm. नहीं करना है क्या ही हो रहा है hmm. क्योंकि कोई भी रेमेडी फोर्टी डेज सिक्सटी डेज लेती है रिजल्ट देने में hmm. कई बार लोग गिव अप कर देते हैं अच्छा hmm. शिखा जी ये बताइए एक है ट्रांसपेरेंट बॉल और एक है ब्लैक बॉल अब इन दोनों में क्या अंतर है देखिए ये क्लियर कॉज का बॉल है क्लियर क्लियर बोलते हैं इसको। क्लियर कौट्स. क्लियर कौट्स का बॉल है। है? और ये इसमें कैसा है, आप कई लोग में देखना चाहते हैं, पीछे लाइट करके तो यहां से आपको लाइट का दिखता है, जिससे आप ट्राटक कर सकते हैं, दैट इज योर मेडिटेटिंग ऑन दैट फ्रेम इन दिसथिंग बट वॉट यू आर गोइंग टू सी इट्स ऑन द सर्फेस यू कैन ऑल्सो होल्ड इट आपको क्या दिख रहा है इसमें

प्रेशर नहीं आ रहा है वो पॉइंट होगा जहाँ से आप उसमें एंटर कर 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 पाएंगे। I have to get into that zone. Yes. Because अभी मेरे को एक डिजी फील आई थी जब मैंने जब मैंने रहा रहा हाँ। मैंने मैंने रोटेट रोटेट करी है है। है। ये। इसको रहा रहा कि। बिकॉज़ जैसे से देखना ट्राई किया, जब मैं फोकस

बट hmm. उसके लिए हम जो बोलते हैं सबसे मेन चीज है आपका क्लियर पॉइंट होना तो hmm. उसके लिए हम आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बताते हैं सबसे पहली चीज है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन बताया जाता है कि आप जब इस चीज में जा रहे हो यू आर एंटरिंग अप इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट में डेमेज भी होते हैं नेगेटिव एनर्जीज भी है एंटिटीज भी हैं जो आपको मैनुपुलेट कर सकती हैं आपकी रीडिंग मैनुपलेटेड हो सकती है सो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ प्रोटेक्शन यू ओनली हैव टू कॉल द गाइड्स एंड एंजल्स ये आपने किस पे हाथ रखा ये मैं एंजेल uh, रखा है बेसिकली आई कंसीडर हिम एज आर्च एंजल रेफर जो एंजेल uh, एक ही प्रकार के कि काफी ही इज आर्च एंजल जो एंजल से अपसाइड होते हैं बाय हायर पावर बाय पावर एंड ड्यूटीज जो उनको दी arch जाती angel. हैं हम्म तो ही इज एन एंजल फॉर हीलिंग बेसिकली ओके सो आपने टेबल पे इनको क्यों रखा सो hmm. बेसिकली so, आर्टिटेंशियल रैफल जो है यहाँ पर हमको इमोशनली हील करेंगे क्योंकि ये लव की एनर्जी में और साथ के साथ जब आप किसी क्लाइंट की हीलिंग कर रहे हो रीडिंग कर रहे हो सो दे आल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग्स तो यहाँ कंटिन्यू मेरी हीलिंग भी चालू रहती है उन लोगों की तभी वो बोलते हैं कि मैम बेशक हम रीडिंग कर रहे हैं बट आफ्टर दैट वी फील्ड वेरी गुड ये सोल की हीलिंग हो रही है यहाँ आप पर्सन की थ्री डी बॉडी दैट इज फिजिकल बॉडी उसकी भी हीलिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर हम गाइडेंस ले रहे हैं hmm. साथ के साथ यू कैन जब सोल रीडिंग कर रहे हैं तो आप मैं गाइड्स एंजल्स अपनी टीम को कनेक्ट करके ही रखती हूँ तो साथ के साथ उनकी हीलिंग सोल लेवल पे भी चल रही होती है व्हेन वी डू लाइक सोल है और एंजल्स का एक अलग पर्पस है और, uh, सबके अलग गाइड्स आर आर बेसिकली टू ना मैसेंजर्स uh, ये आपके। गॉड ने इन्हें मैसेंजर फॉर्म में असाइन किया है Angels को। yes. कि कुछ होने वाला है। कुछ मैसेजेस ये आपको देते हैं तो अब बहुत बार या, बहुत बार लोगों को कुछ सोच रहा है इंसान अपने रिलेशनशिप के हेल्थ के किसी भी स्टार्टेड गेटिंग सिक्के मिलते हैं दीस आर द साइंग वेयर एंजल कम्युनिकेट विथ यू ओके ठीक है जब आप बात कर रहे हो आपकी गाइड्स की गाइड्स आपके आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं जो आपके फैमिली के ही कोई डिपार्टेड लव वन हो सकता है या yeah. जो आपके ही पूर्वज रह सकते हैं एक मिनट के लिए उसके ऊपर बात करते हैं बहुत लोग हैं आम, सबकी फैमिलीस में हैं हुँ. जो अपने लव्ड वंस है वो पेरेंट्स हो गए या इवन पेट्स उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेट uh, सर्कमस्टांसिस में इफ यू नो दे टेकन अवे देर ऑलवेज फाइंडिंग वेज इन रीजंस कि कैसे करें आप ये व्हाट इज दैट आर्ट कॉल्ड कि आप आप ये करती हैं यस इट्स कॉल्ड मीडियमशिप मीडियमशिप का मतलब होता है जहां आप मीडियम एक जरिया बनते हैं दो लोगों के बीच में बट ये लोग तो एक आपका फिजिकल वर्ल्ड है एंड यू आर द ब्रिज बिटवीन दम टूडेंस मुक्ति पा जाती है कई बार कई बार जब उसका डेथ बहुत अनसर्टन रीजन में हुआ है उसका टाइम पीरियड है तो वो अर्थली प्लेन पे रहती है और जब हम कनेक्ट करते हैं किसी स्पिरिट पे इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल द स्पिरिट इट्स द मॉलिक्यूल एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पिरिट एनर्जी जो आती है वो हमेशा रहती है कैसे रहती है आपके थॉट्स में कभी आपने उनकी कोई सामान अपने घर में रखे हुए एनर्जी इट्स अगेन कैरिंग देयर एनर्जी और yeah. सबसे बेस्ट जो चीज मैं आपको एक सिंपल बता रही हूँ फोटोग्राफ्स ऑफ डेड पीपल डेट यू आर कीपिंग इन याउस इस चीज पे मैं थोड़ा सा बोलूंगी huh. अगर आप किसी भी डेड इंसान की फोटो अपने मंदिर में लगा रहे हैं आप लोगों को ये सोचना बहुत जरूरी है कि मंदिर में कभी भी डेड इंसान की फोटो ना लगाएं वो आपको नेगेटिव देना शुरू कर देंगे क्यों कहती हैं आप ये बिकॉज दिस थिंग इतने केस जो मैंने किए है वहाँ ऐसा होता है वो प्रेत में चले जाते हैं अच्छा तो वो आपके घर में घूमते रहते हैं। जाती है घर आप साउथ में अलग उनकी दिशा है मंदिर में कभी नहीं रखते हैं

टू कनेक्ट विद मी मुझे जवाब देने उनके बिल के अगेंस्ट मैं नहीं जाऊंगी yeah. कभी किसी के बिल अगेंस के अगेंस्ट जाके काम नहीं करती हूँ इफ दे आर मैक्सिमम बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं किसी क्लाइंट को रीड कर रही हूँ अपने आप उनके जो डिपार्टेड लव वन आ जाते हैं तो मैं बोलती हूँ ऐसा तो ऐसा कोई ऐसे ऐसे एज का पर्सन है इस डिजीज से गया है hmm. और ये कोविड में बहुत हुआ है क्योंकि कोविड में मैं आ, yes. बिना बोले लोग गए हैं बहुत सारी बातें उन लोगों के मन में रह गई हैं अपनी फैमिली के लिए hmm. तो जब भी किसी ऐसे इंसान से आप बात कर रहे हो रीडिंग कराने आए और उनकी कोई फैमिली मेमर कोविड में गया या ऑल ऑफ अ सडन जिसकी डेथ हुई है उस केस में वो खुद ही आ जाते हैं बिकॉज आई एम अ मीडियम दे नो कि ये हमारा एक जरिया बन सकती है मैसेज देने का इवन आई गो लाइव ऑन माई इंस्टा पेज तो क्विक मैं पूछती हूँ यहाँ पर किसी के ऐसे uh, ऐसे से ग्रैंडफादर या uh, वो है जिनकी इस, इस तरीके से डेथ हुई है तो से यस और फिर मैं नाम भी बता दूंगी इस नाम से उस uh, तो रोड पे चल रही हैं आप मेरे को कह रही हैं कि आप एक्चुअली लोगों को रीड कर सकती हैं no, रोड करना चाहे ना वो अलग है कर सकती हैं अगर आप जैसे कनेक्ट कर रहे हो अब मैं रोड पे चल रही हूं मैं अपने आप को लॉक करके चलती हूं क्योंकि रोड पे हर जगह स्पिरिट्स होंगे जो आपसे बात करने आ जाएंगी सो आई लाइक प्रोटेक्टेड जोन जाएंगीबल इफ आई टू गेट मैसेज अगर एक और इंसिडेंट था कि जहां पे मैं मेरी डॉटर और बेटे के साथ जा रही थी कार में एंड आई सी बम करके कुछ गिरने की आवाज आई hmm. जैसे मैंने बैक देखा सो इट वाज लाइक मुझे दिख गया कि वहां पे किसी की सुसाइड हुई है ब्रिज से गिर के hmm. तो वो मुझे दिखा दिया गया मुझे बता दिया गया मैंने इमिडिएट कॉट कट करके रिलीज़ किया बिकॉज आई डोंट वांट टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी सुसाइडल एनर्जीज जो अटैचमेंट बनके फिर किसी ना किसी के uh, साथ साथ कनेक्ट हो जाते हैं ऐसी चीज़ें तो आई कट दैट बट यू कैन कनेक्ट विद स्पिरिट्स यू कैन कम्युनिकेट विद दैम यू कैन गेट द मैसेज और सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पर जब आप मीडियम कर रहे हो वो एक ऐसा लव जोन होता है जब जिसको पर्सन मिस कर रहा है और जब वो जैसे मान लीजिए किसी के फादर को कोई तो, मिस कर रहा है या प्रैक्टिकली आई मीन वही मैं पूछने वाला था कोई किसी अपने love. फादर को बुलाता है तो आप बीच में बैठी हैं और आप एक यस yes, वो इस तरफ होंगे इनको मैं इधर बुलाऊंगी मेरे राइट right हैंड पे और आप दोनों से बातें करेंगी यस yes, मैं यहाँ से वो मुझे बोलेंगे फिर मैं मेरे साथ कैसा है मैं रीचेक करती हूँ कि सही एनर्जी से बात हो रही है या नहीं हो रही है वो मुझे जो बताएंगे मैं पूछूंगी क्या ऐसा ऐसा हुआ था Hmm. क्या ऐसा बोलते थे क्या आपको ये नाम से जानते थे इस नाम से पुकारते थे तो पहले मैं चेक करती हूँ hmm. मुझे सही सोल से ही बात हो रही है मेरी हम लिविंग सोल से भी बात करते हैं सोल रीडिंग जो लाइव सोल से बात हो रही है जहाँ हम डेड से बात नहीं so करते आपके रहे. पास क्लाइंट क्यों आता है सोल रीडिंग के लिए मैक्सिमम uh, क्लाइंट्स जो आते हैं मैक्सिमम क्लाइंट्स का मोटो होता है उनके पार्टनर के बारे में जानना खुद के लाइफ पर्पज़ के बारे में जानना अगर उनके करियर के लिए भी आते हैं करियर है, के लिए भी आते हैं आप मान लीजिए किसी करियर में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आप बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस बिज़नेस में हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं या हमारी जॉब क्यों नहीं प्रॉपर हो रही है आपको हमेशा लगता है कि यार आई ऑलवेज फील लॉस्ड तब आप उस केस में सोल रीडिंग करवा सकते हैं क्योंकि आपका सारा जवाब सोल बता देगी हो सकता है पास लाइफ की कोई चीज़ें हैं आपके एंसेस्टर ब्लॉकेज सारी चीज़ें आपकी सोल बताती है सोल यू नो एक बहुत पर्टनेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए स्पेसिफिकली सोल का पर्पस होता है लाइफ में हम हम क्यों आए हैं क्या करने आए हैं हर सोल का पर्पस है हर एक सोल जो आपके ये भी बोल सकते हो अनकॉन्शियस माइंड में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास्ट के कहते हैं ना ख्वाहिशें रह गई हैं डिज़ायर्स रह गए हैं जो आप इस लाइफ टाइम में पूरा करने के लिए जन्म ले रहे हो री में बिलीव करते हैं पुनर्जन्म हो रहा है होता है और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ होता है और कार्मिक कोटा कैरी फॉरवर्ड होता है बैलेंस शीट चल रही है यस yes, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है बट कार्मिक कोटा जब

कि मैं एक पैटर्न में हूँ और ये पैटर्न मेरे थॉट्स से ही क्रिएटेड है क्योंकि कर्मा इज ऑल अबाउट योर थॉट फॉर्म्स सो वो क्या कर रहा है वो रियलाइज नहीं कर रहा है फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज ओके कि मेरी ये गलती है कर्मा इज ऑल अबाउट टीचिंग यू अ लेसन टू बिकम अ बेटर वर्जन देन यू हैव टू लेट गो दैट हैबिट वंस यू लेट गो लाइफ इज बेटर वी हैव टू टेकिंग स्टैंड मतलब हमें मूव ऑन करते रहना है हाँ जहाँ आप स्टक हो जाओगे ये साल केतु का है yes. केतु इज ऑल अबाउट नंबर सेवन केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट टीचिंग यू लेसन सो अभी भी हमारे पास काफी समय रहे. है है न hmm. hmm. अभी भी हमारे पास काफी समय है hmm. अपने सारे जो सफरिंग्स हैं नेगेटिव थॉट्स हैं नेगेटिव हमारी ब्लॉकेजेस हैं लाइफ की उनको हम रिलीज करें क्योंकि नेक्स्ट डे इज ऑल अबाउट एट दैट इज कर्मा गिविंग यू गुड और बैड बेस्ड ऑन योर एक्ट्स तो 2023 में जाने दो सब जाने दो चीजों को जाने दो लेट गो करो अटैच मतलब अटैचमेंट ना रखो किसी चीज से कर्म करो कर्म प्रधान है हम्म और कर्मा का असली साल अगले साल पता चलेगा लोगों को कि उन्होंने इस साल क्या खोया है या क्या पाया है हम्म प्रेडिक्शन कर लेती हैं आप जैसे देखिए हमने नॉशरडमस की प्रेडिक्शंस तो उन्होंने पता नहीं क्या हजार साल या 2000 साल पहले करी हुई हैं थ्रू क्रिस्टल गेजिंग क्रिस्टल गेजिंग से हम आप प्रेडिक्शन कर सकती हैं कि अगले साल एक व्यक्ति का या एक जनरेशन का कैसा निकल सकता है इसमें हम डेफिनेटली ये देख सकते हैं कि गाइडेंस क्या आ रही है नेक्स्ट ईयर उनके लिए क्या होल्ड कर रहा है एक व्यक्ति या ओवरऑल कम्युनिटी के लिए भी क्या आप प्रिडिक्ट uh, कर सकती हैं थ्रू क्रिस्टल बॉल गेजिंग कि क्या अगला साल लाने वाला है उनके लिए डेफिनेटली कर सकते हैं यहाँ पर हम कि ओवरऑल कैसा रहेगा करियर वाइज हेल्थ वाइज आपके रिलेशनशिप वाइज क्या चीज़ें आप सीखेंगे बिकॉज दैट इज बेसिकली नेक्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट लर्निंग अ लेसन Hmm. तो यहाँ पहले ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे उससे कि नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले hmm. जो मैंने अभी तक अगर मुझे एक क्लियर पॉइंट वाला मैं बोलूं क्रिस्टल बॉल गेजिंग आई डोंट हैव दैट प्रॉपर सेटअप टू डू गोइंग टू ट्रांस बट एक हम जनरल प्रिडिक्शन करते हैं क्लियर पॉइंट के थ्रू दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग इन विजन्स के बहुत सारे कार्मिक लेसन लोग लर्न करेंगे अगले साल अगले साल बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप्स होंगे और जिनकी कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं उस रिलेशनशिप में या तो चीज़ें बेटर होंगी या फिर चीज़ें रिलेशनशिप में और थोड़ा वर्स्ट होने वाली हैं लोगों के hmm. करियर वाइज बोलूँ करियर वाइज चीज़ें आपकी इनिशियली जो दिख रहा है स्टेज वो एक लर्निंग स्टेज आएगा आपका hmm. जहाँ आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे आप ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि आप किसी जॉब में अगर आप काम कर रहे हो या बिजनेस में आप काम कर रहे हो या आपका बिजनेस है तो वहाँ लर्न करने का मतलब ये नहीं आप कोई चीज़ें पर्टिकुलरली लर्न कर रहे हो किसी कोर्स में जा रहे हो नो इट इज़ योर लेसन दैट यू आर गोइंग टू लर्न इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस वहाँ पर आप उसको मॉडिफाई करने के लिए कैसे hmm. चीजें कर सकते हो कैसे बेटरमेंट बना Those सकते kind of हो तो वो चीज़ें आप वहाँ पर सीखोगे यहाँ आप जितना भी आ, कह सकते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव थॉट्स जैसे मैंने पहले भी बोला है वो रख के अगर चलोगे hmm. आप डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीजें नेक्स्ट ईयर मैनिफेस्ट कर पाओगे hmm. तो कर्मा दोनों तरह होते हैं लेजी लोगों के लिए आठ नंबर दैट इज़ लाइक इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गुड थिंग्स नथिंग वाला जोन है बट इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड जो हार्ड वर्कर्स है जिनने इस साल बहुत मेहनत किया है बहुत हर्डल्स फेस किया है नेक्स्ट ईयर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा hmm. ये क्लियर पॉइंट रीडिंग अब नॉर्मल प्रडिक्शन है नथिंग टू डू विद एस्ट्रोलॉजी नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी बट ओनली अ प्रडिक्शन दैट वट आई एम सींग एंड अगर फाइनली आपको एक चीज़ पूछूँ मैं बिफोर वी यू नो हैव टू टाइम ऑब्वियसली आपका काफ़ी टाइम लिया है मैंने आज मैं बस ये पूछना चाहता था काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल आपको लग रहा है कि 2024 एक स्टॉक मार्केट का सुपर ईयर रहने वाला है यहाँ अगेन मुझे दो चीज़ें दिखाई जा रही है पीक रेज दिखाया जा रहा है कि इनिशियल बहुत ज़्यादा पीक रेज भी मिलेगा लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो अभी बहुत डाउनफॉल में थे जो मान लीजिए अगर बहुत लॉस में थे उनको फिफ्टी hmm. परसेंट चीज़ें बेटर दिखेंगी hmm. लाइफ में सो अगेन यहाँ पर एक चीज है कि चीज़ें अच्छी दिख रही हैं बट hmm. लालच नहीं करना है hmm. क्योंकि क्या होता है कि हमें जब प्रॉफिट दिखना शुरू होता है तो हम उसके पीछे ज़्यादा ग्रीडी हो जाते yes. हैं तो स्टॉक मार्केट प्रॉफिट दिखेगा उन लोगों को जो जेन्य प्रॉपर तरीके से काम करेंगे hmm. विदाउट ग्रीड hmm. तो ग्रीड लालच नहीं रखना है आपको समझ आ गया आपका इतना आपका टारगेट है वो आप फुलफिल कर जाओगे hmm. लॉसेस आपको वहाँ नहीं होंगे लॉसेज येस ओवरऑल पॉजिटिव है और जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो उनके गाइड्स के थ्रू ये दिखाई जा रही है लस्ट भी नहीं मनी hmm. को लेके लस नहीं मनी को लेके लव में काम करना है hmm. पॉजिटिव hmm. दिख रहा है हाउ चलिए जी थैंक यू थैंक यू सो शिखा much. जी आपने आप आज आई हैं और कितनी बार हमारी रिकॉर्डिंग रुकी है आज क्योंकि इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं अब स्क्रीन पे बता भी नहीं पा रहा हूँ बहुत कुछ हुआ है बहुत कुछ सीखा है मैंने